हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव पढ़ा था। कुछ थोड़ी चीज़ हम लोगों ने जाना था, ठीक है। और एक टेंस भी कवर किया था, सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो वो कवर किए थे, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग देख लेते हैं एज अ प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि हम लोगों को रिविजन भी होता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ही नोज मी, ठीक है। आप इतना तो समझ ही जाते हैं कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वी वन दे रखा है और उसमें यस या यस लगाया गया है। तो ये सबसे बड़ा पहचानने का तरीका होता है कि टेंस कौन सा है। तो आप टेंस तो जानते ही हैं, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो ये सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसको पैसिव बनाएंगे, इसको ही नोज मी को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पैसिव में चेंज करने के लिए इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, ठीक है। ये सेंटेंस जो है एक्टिव में है, इसको हमको पैसिव में बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, इसमें मी है। मी को जब हम सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्टिव केस आई होता है, ओके। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगाना था, एम, आई के साथ एम, ओके। और उसके बाद आएंगे वर्ब, वर्ब है इसमें नोज, और जो कि यहां पैसिव वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म में जाएगी, तो थर्ड फॉर्म के लिए नोन हो जाएगा, ओके। फिर हमने बताया था कि बाई लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो नो देख लीजिए, नो के साथ हम बाई ना यूज करके प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। और फिर ही का यहाँ जो ऑब्जेक्ट की जगह पाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हिम, क्लियर। ही नोज मी का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आई एम नोन टू हिम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ओके। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आ सॉन्ग, क्लियर। तो हम पहले इसको लिखेंगे आ सॉन्ग, जो कि क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब इज लेंगे। रीमा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, जिसमें आ सॉन्ग क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, और आ सॉन्ग जो है सिंगुलर है, इसी वजह से सिंगुलर इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। उसके बाद लेते हैं वर्ब, वर्ब सिंग है, जिसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, क्लियर। लेकिन ये सेंटेंस जो है निगेटिव में दिया गया है, तो हमको पहले नॉट, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे, ठीक है। नॉट, उसके बाद वर्ब लेंगे, वर्ब सिंग का थर्ड फॉर्म संग। फिर सब्जेक्ट क्या है, रीमा, जो कि पहले बाई लगाना है, फिर हमको क्या लिखना है, रीमा, क्लियर। इसका देख लेते हैं, व्हाई डू यू नॉट हेल्प मी, तो क्या क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिख लेंगे बिना कुछ देखे, जो भी उसमें है वो। उसके बाद देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट ये इसको जो सब्जेक्टिव बनाएंगे, मी का क्या ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई के साथ व्हाई। उसके बाद हम यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग डू या डस, तो आई के साथ डू हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्लियर। उसके बाद व्हाई डू आई, फिर आते हैं हम यहाँ पे नॉट भी दे रखा है, तो हम पहले यहाँ नॉट लगाएंगे, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लेंगे वर्ब, वर्ब क्या है, हेल्प, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। फिर सब्जेक्ट बाई, ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा यू का ऑब्जेक्ट, यू ही होता है, क्लियर, इसका क्वेश्चन मार्क, ओके। यहां हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, जो कि हमने गलत गलत किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसका देखते हैं, द पुलिस लुक्स इन टू द केस, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द केस, ओके, द केस इज, क्लियर, इतना। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, लुक, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लुक्ड। आप सोचो ये इनटू कहां जाएगा, तो इनटू जो है इसके जस्ट बाद ही जाएगा, ये प्रीपोजिशन इसके बाद ही जाएगा, द केस इज लुक्ड इनटू, ठीक है, बाय द पुलिस, ओके। क्योंकि ये जो है पूरा फ्रेज है लुक्ड इनटू, तो इसको हम काट नहीं सकते हैं। इसका द टीचर टीच यू इंग्लिश, इसमें देख लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लेते हैं, तो हम यू को पहले ले लेंगे, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर लेंगे, यू आर। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, टीच, इसका थर्ड फॉर्म टॉट, यू आर टॉट इंग्लिश, ठीक है, by the teacher, you are taught English by the teacher, clear। चलिए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को
कंप्लीट करने के बाद आते हैं नेक्स्ट टेंस पे, जो कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी रूल्स देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो एक्टिव रूल है, पहले हम उसको देख लेते हैं। देख ली जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव का रूल, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल, जो अफर्मेटिव का रूल क्या है, फार्मूला क्या है, तो देख लीजिए। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का है। ठीक है, इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह क्या, सब्जेक्ट की जगह पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर, और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर दे रखी है, वही इज एम आर हम यहां भी देंगे। ओके, उसके बाद में फिर हम इज एम आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे। आप बीइंग के लिए आप इतना ध्यान दे लीजिए कि जो भी, चाहे जो टेंस हो, अगर उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म जा रही है, ठीक है, मतलब आईएनजी जा रहा है, तो पैसिव वॉइस में वहां बीइंग जरूर लगना है। तो ठीक है, इज एम आर के बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब कैसे, तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होगी, वर्ब थर्ड फॉर्म में, फिर बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। क्लियर, आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का रूल, मतलब टेंस का रूल है। क्लियर, एक्टिव से जब पैसिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वही इज एम आर, ओके, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। क्लियर, फिर आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो यस नो टाइप का है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में निगेटिव वर्ड है तो यूज करते हैं, वरना स्किप करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, इज एम आर, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी लगेगा, इज एम आर को हम पहले रखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे एज अ, जैसे कि पैसिव में हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद लगाएंगे बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप में क्या करते हैं, तो डब्ल्यू एच वर्ड जो भी होगा उसको पहले लिखेंगे, चाहे जो हो उसको उसी को उसी तरीके से उठा के रख देंगे, फिर इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर निगेटिव वर्ड है तो लगाएंगे, वरना स्किप करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से पैसिव में इज एम आर क्या करेंगे, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर, और एक चीज और ये देख लीजिए, जो हु से सेंटेंस स्टार्ट होता है उसको क्या करते हैं, उसको हम बाई होम से बनाते हैं। इतना आप लोगों को फार्मूला देख लिया, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन किया जाता है। तो देख लीजिए, ये सेंटेंस जो हमने लिख रखा है, यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम पहले उठाएंगे, मतलब पहले लेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, ये अफर्मेटिव का फार्मूला इसी पे रखते हैं, देखते जाइए, पहले ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द क्वेश्चन, सिंगुलर है या प्लूरल, अब बताइए, क्वेश्चन सिंगुलर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या ले रहे हैं, हम इज, इज एम आर में से इज ले रहे हैं। क्लियर, उसके बाद लिखेंगे हम बीइंग, वर्ब क्या है इसमें, आंसरिंग, ठीक है, जिसका हमें क्या बनाना है, थर्ड फॉर्म, तो आंसर का थर्ड फॉर्म आंसर्ड, उसके बाद क्या आएगा, बाई, बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव हमेशा यू ही होता है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, यू, ठीक है। फिर आते हैं दे आर वॉचिंग द मैच, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर वॉचिंग द मैच, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो द मैच, द मैच, ये भी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, ठीक है, फिर बीइंग, और वर्ब की कैसी फॉर्म होगी, वॉच की थर्ड फॉर्म, वॉच्ड, बाई, दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देम। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीना इज नॉट कुकिंग द डिनर, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द डिनर, द डिनर, ये भी सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग इज लगाए, फिर हम नॉट दिया गया है, नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लिखेंगे। क्लियर, उसके बाद में द डिनर इज नॉट बीइंग, देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट हमने पहले लिखा, फिर इज एम आर में से इज लिखा, फिर नॉट, फिर बीइंग, अब आते हैं वर्ब में, वर्ब क्या है इसमें, कुकिंग, जो कि इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुकडो, ठीक है, बाई लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, बीना,
तो सब्जेक्ट को हम बिना बिना वही लिख देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इज द प्यून रिंगिंग द बेल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है द बेल। ठीक है, तो द बेल ऑब्जेक्ट, उससे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब रखना है इज एम आर में से, तो द बेल सिंगुलर है तो इसलिए पहले हम इज रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट द बेल लेंगे, उसके बाद लगाएंगे बीइंग, फिर वर्ब, वर्ब क्या है रिंगिंग, इसका थर्ड फॉर्म रिंग रैंग रंग, तो इसका थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगा बाय द प्यून। ठीक है, बाय लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे बाय द प्यून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेंडिंग यू दीज थिंग्स, हमने क्या बताया अभी, जो हु वाले सेंटेंस है उसको बाय होम से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बाय होम। ठीक है, फिर इसमें ऑब्जेक्ट यू, इसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से जो भी चीज लगेगा लगाएंगे, बाय होम आर। ठीक है, यू के साथ क्या लगता है आर लगता है, तो बाय होम आर यू, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब लेंगे, वर्ब सॉरी बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब क्या है इसमें सेंडिंग, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट, क्लियर। फिर By whom are you being sent? क्या sent? These things. These things? Question mark. यहां हमने question mark नहीं लगाया, भूल गए। ठीक है, तो ये सारी चीज में question mark लगेगा। I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। Okay?